हेलो देवी और देवताओं, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका राणा डिजाइनर चैनल पर, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे लेडीज पैंट ट्राउजर की कटिंग करना और स्टिचिंग करना सबसे आसान तरीका, सबसे आसान शब्दों में। देखिए, आप में से बहुत लोग सिलाई सीखना चाहते होंगे और लाइफ में कुछ करना चाहते होंगे। अगर हाँ, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। सब्सक्राइब करें राणा डिजाइनर चैनल को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। यह देखिए, यह 2 मीटर का कपड़ा है जिसका पैंट ट्राउजर बनेगा। इसको हम बीच में से कटिंग कर लेते हैं। यह देखिए, हमने इसको बीच में से कटिंग कर लिया है और इसको फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो यह देखिए, हमने इसको बिछा लिया है। हम इसके ऊपर का फालतू कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। यह देखिए, हमने यह ऊपर का कपड़ा कटिंग करके निकाल दिया है। अब हम पैंट का बेल्ट निकालेंगे। यह देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर तीन इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 इंच का निशान लगाएंगे। इस लाइन को इससे मिला देंगे हम। यह देखिए हमने इसको मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यह देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहां से भी फालतू का कपड़ा कटिंग करके हम निकाल लेंगे और नीचे से भी इसका फालतू का कपड़ा कटिंग करके निकाल लेंगे। यह देखिए, हमने नीचे से भी इसका फालतू का कपड़ा कटिंग करके निकाल लिया है। पैंट की लंबाई है 35 इंच और कमर है 34 इंच और हिप है इसका 38 इंच और मोरी है इसका 6 इंच। इसके कमर का नाप बेल्ट और लास्टिक लगाते समय काम आएगा। इस समय हम इसके हिप से निशान लगाते हैं। यह देखिए, हिप है इसका 38 इंच, तो उसका 1/4 होता है 9.5 इंच। 9.5 इंच में से 1.5 इंच इसमें लूजिंग डालेंगे। यह देखिए, इसमें 1.5 इंच लूजिंग डालेंगे तो यह हो जाएगा 11 इंच। तो हम यहाँ से 11 इंच पर निशान लगा लेते हैं और ऊपर आसन का नाप लगाएंगे इसमें। यह देखिए, ऊपर का आसन का नाप लगाएंगे इसमें 11 इंच। यह देखिए, हमने 11 इंच पर निशान लगा लिया है और इधर से भी लगा लेंगे इस पर निशान 11 पर। तो यह देखिए, हमने इस पर निशान लगा लिया है। अब गोलाई से इसको मिला देते हैं। गोलाई दे दिया है। अब आसन की गोलाई लगाते हुए इस पर निशान लगाते हैं। यह देखिए, अब आसन नाप लेंगे। यह देखिए, हम आसन तैयार करेंगे इसका 14 इंच, तो यह 13 इंच हुआ। यह देखिए, और इसमें 1 इंच का बेल्ट लगेगा तो यह हो जाएगा 14 इंच का। अब इसके लंबाई पर निशान लगा लेते हैं। यह देखिए, लंबाई है इसकी 35 इंच और 1 इंच का ऊपर बेल्ट जुड़ेगा, तो हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं 34 इंच पर। तो यह देखिए, हमने 34 इंच पर निशान लगा लिया है। इधर भी 34 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान को निशान से मिला देंगे। यह देखिए, हमने निशान से निशान मिला दिया है और यहां से लेंगे हम 2 इंच। हमने यहां से 2 इंच ले लिया। अब ऊपर यहां से 11 इंच लेंगे। यह देखिए, 11 इंच ले लेंगे। उसके बाद स्केल की मदद से हम इस लाइन को मिला देंगे। यह देखिए, अगर आपके पास राउंड स्केल नहीं है तो आप स्ट्रेट स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सीधे स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड स्केल से क्या होगा, इसमें फिनिशिंग और अच्छे से आएगी। यह देखिए, मोहरी है इसकी 6 इंच, तो हम 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं। यह देखिए, हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। अब मोहरी के निशान से आसन के निशान तक स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। यह देखिए, हमने निशान लगा लिया है। अब एक एक इंच इस निशान के बाहर निशान लगाएंगे।
क्योंकि हम इस पर कटिंग करेंगे तो यह कटिंग का निशान है। हमारा एक एक इंच का निशान हमारा यह एक इंच का मार्जिन है जिस पर हम कटिंग करेंगे। यह देखिए और ऊपर से आसन के पास से यहाँ से एक इंच नीचे निशान लगाएंगे। यह देखिए हमने यह एक इंच निशान लगा लिया है। यह लगाने से फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी पैंट की। इसको इस निशान को यहाँ से मिला लीजिए। यह देखिए हमने निशान को मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइडों से पहले इसकी कटिंग करते हैं। यह देखिए साइडों से कटिंग कर दी हमने इसकी। अब ऊपर से कटिंग करेंगे। यह देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे ऊपर से। उसके बाद जो हमने एक एक इंच बाहर मार्जिन पर निशान लगाया था उस पर कटिंग करेंगे। तो यह देखिए हमारा यह कटिंग हो गया है। हमारा यह फ्रंट का पल्ला कटिंग हो गया। यह देखिए अब हम बैक का पल्ला कटिंग करेंगे। यह हमारा बैक का पल्ला है। इसको प्रेस की मदद से हम अच्छे से बिछा लेते हैं। तो यह देखिए हमने प्रेस की मदद से इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब ऊपर के फालतू कपड़े को हम कटिंग करके निकाल देंगे। यह देखिए हमने ऊपर के फालतू के कपड़े को कटिंग करके निकाल दिया है। इसी तरह से हम साइडों के कपड़े को भी कटिंग करके निकाल लेंगे। यह देखिए हमने साइडों के कपड़े को भी कटिंग करके निकाल लिया है। अब जो हमने फ्रंट का पल्ला कटिंग किया था बेल्ट के लिए वही बेल्ट इलास्टिक में पीछे लगेगा तो उसी नाप से हम इसका भी बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। यह देखिए यह हमने कटिंग कर लिया है। यह हमारे 3.5 इंच का बेल्ट है। अब बैग के पल्ले के ऊपर हम बैग का पल्ला बिछाएंगे इस तरह से। यह देखिए हमने फ्रंट के पल्ले को बैग के पल्ले पर बिछा दिया है। यह देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यह देखिए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट के पल्ले से बैक का पल्ला कटिंग करने के लिए फ्रंट के पल्ले से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करेंगे। यह देखिए हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया इस पर। अब इस लाइन को हम मिला देंगे। यह देखिए जैसे हमने फ्रंट के पल्ले पर एक एक इंच मार्जिन लिया था जिस पर हमारी सिलाई होगी तो उसी तरह से हम बैक के पल्ले पर भी मार्जिन लेकर निशान लगा लेंगे। यह देखिए हमने एक एक इंच पर निशान लगा लिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यह देखिए यह देखिए हमने बाहर के निशान पर कटिंग किया है। यह देखिए यह फ्रंट का पल्ला है और यह बैक का पल्ला है। हमने दोनों पल्लों को कटिंग कर लिया है। अब हम पैंट में पॉकेट लगाएंगे दोनों तरफ। तो हम पैंट के पॉकेट का नाप लगाते हैं। यह देखिए इसके लिए हम पॉकेट की लंबाई रखेंगे 13.5 इंच। यह देखिए 13.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया। और चौड़ाई रखेंगे हम इसकी 6.5 इंच। तो हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया। यह देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए इसकी जिस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपका पॉकेट भी फिनिशिंग से बनेगा। साइडों से अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
अब दूसरी तरफ का भी पॉकेट हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इसके ऊपर यह पॉकेट बिठा लिया हमने और इसकी कटिंग कर देंगे इसी नाप के हिसाब से। तो यह देखिए हमारा पॉकेट कटिंग हो गया है। तो यह देखिए हमने इस पैंट की पूरी कटिंग कर ली है। हमने इस पैंट का बेल्ट भी कटिंग कर लिया है, पॉकेट भी कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, हम इसकी सिलाई करेंगे। यह देखिए यह हमारा बेल्ट है, यह हमारा पॉकेट है, यह हमारा फ्रंट का पल्ला है और यह हमारा बैक का पल्ला है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले को बनाएंगे। यह देखिए तो हम इस पर प्लेट डालेंगे, तो उसके लिए हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। यह देखिए ऊपर से हम निशान लगाएंगे 3 इंच पर और नीचे से भी निशान लगाएंगे 3 इंच पर और ऊपर से निशान लगाएंगे 5 इंच पर। तो हमने यह निशान लगा लिया है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे, दूसरी तरफ भी प्लेट बनाने के लिए, और साइडों से इसकी सिलाई कर लेंगे। यह देखिए साइडों से हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब जहां पर आपने प्लेट का निशान लगाया था उस प्लेट को आधे इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे से मिला देंगे। जिस तरह से आप ब्लाउज को सिलते हैं उस तरह से इसको भी सिलना है। हमने एक तरफ का प्लेट डाल दिया है, अब हम दूसरी तरफ का भी प्लेट ऐसे ही डालेंगे। तो यह देखिए हमने दूसरी तरफ का भी प्लेट डाल दिया है, हमने यह दोनों प्लेट डाल दिया है। और यह देखिए यह प्लेट कितने अच्छे से बना हुआ है। अब हम इस पैंट में पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए हम ऊपर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। यह देखिए इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा लेना है जिस तरह से हम लगा रहे हैं, और इधर भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और नीचे से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच यहाँ पर और 5 इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यह देखिए हमने यह निशान लगा लिया है। अब हम इस पर पॉकेट बिछाते हैं। यह देखिए तो जितना हमने नीचे निशान लगाया था उतना ही पॉकेट के ऊपर इस पर निशान लगा लेंगे। यह देखिए हमने यह निशान लगा लिया है। अब आधा इंच यहाँ पर और आधा इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसी निशान पर हम इसकी सिलाई करेंगे। यह देखिए और यहाँ से सिलाई लगाकर बाहर निकाल लेंगे। यह खुटका लगाना पॉकेट के लिए बहुत जरूरी है। यह खुटका लगाने से पॉकेट में सलवटे नहीं आएंगी। यह देखिए और इसको इस तरह से बाहर निकालकर इसको नाखूनों की मदद से या आप चाहे तो प्रेस की मदद से भी बिछा सकते हैं। तो हमने यह बिठा लिया है। यह देखिए अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यह इस पर बारीक सिलाई लगाते हुए बाहर से साइड से आराम से सिलाई लगाएंगे इस पर। यह देखिए यह देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से इसको मोड़कर बाहर निकाल लेंगे सिलाई को। तो यह हमने पॉकेट में सिलाई लगा लिया। यह देखिए इस तरफ अब हम इस पॉकेट में दूसरा पल्ला लगाएंगे। तो हमने यह पल्ला ले लिया है और इसको इस तरह से बिठा लेंगे और इसको ऊपर से सिलाई करेंगे इस तरह से, और यहां से मोड़कर सिलाई लगाएंगे। तो यह देखिए हमने इस पर सिलाई लगा लिया है। Thank you.
अब ऊपर से हम एक साइज पर लगा लेते हैं ताकि यह पॉकेट इधर उधर ना हो सिलते समय, इस पर बैट लगाते समय। यह देखिए हमने एक तरफ का पॉकेट बना लिया है, अब दूसरी तरफ का भी पॉकेट इसी तरह से बनेगा। यह देखिए पॉकेट कितने अच्छे से बना है ये, और दूसरी तरफ का पॉकेट यह देखिए हमने बना लिया है इस तरह से। अब हम इसका बेल्ट बनाएंगे। यह देखिए हमने बेल्ट बनाने के लिए 1 इंच चौड़ा और लंबा पेस्टिंग लिया है। यह देखिए इसको प्रेस की मदद से हम चिपका लेंगे। तो हमने सिर्फ प्रेस कर लिया और हमने इसको चिपका लिया। यह देखिए अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं है तो आप बुकरम से भी आप बेल्ट बना सकते हैं, वह भी इसी तरह से फिनिशिंग से बनेगा और साइडों से इसकी सिलाई लगा लेंगे। यह देखिए तो हमने साइडों से इसकी सिलाई लगा ली है। यह देखिए अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नाखून की मदद से इसको हम इस तरह से बिछा लेंगे। आप यह प्रेस की मदद से भी कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको बिठाकर जितना हमारा पेस्टिंग हमने इस पर चिपकाया था उसके हिसाब से नीचे इस पर निशान लगा लेंगे। यह देखिए इस तरह से, तो इस तरह से आप निशान लगा लेंगे जिस तरह से हमने निशान लगाया है, और एक पैर मार्जिन छोड़ते हुए फालतू कपड़ा कटिंग करके निकाल लेंगे। तो हमने यह कटिंग करके निकाल लिया है फालतू कपड़ा। अब इस बेल्ट को हम पैंट पर लगाएंगे। यह देखिए यहाँ से हम इसको लगाएंगे और जो हमने निशान लगाया था उस निशान पर सिलते हुए इसको सिलेंगे। यह देखिए उसी निशान से आगे बढ़ते हैं सिलते हुए। इस पैंट को हम पॉकेट की तरफ से मोड़ देंगे। यह प्लेट मोड़ना जरूरी होता है क्योंकि इससे पैंट में सलवटें नहीं आती, और इधर के प्लेट को भी हम पॉकेट की तरफ से मोड़ देंगे। यह देखिए इधर से भी हमने इसको मोड़ दिया है। और फालतू कपड़ा कटिंग करके हम इसमें से निकाल देंगे। यह देखिए हमने फालतू कपड़ा कटिंग करके निकाल दिया है, और यह देखिए हमारा पैंट इस तरह से तैयार हुआ है। अब ऊपर से इस पर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो यह बेल्ट में हम सिलाई लगा रहे हैं। यह देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल बटन को ऑन करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको वीडियो कहीं और जाकर देखनी ना पड़े। ऊपर के टॉप से भी हम इसको सिलाई लगा लेंगे। यह सिलाई जरूरी नहीं है लेकिन यह सिलाई लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग और अच्छी आएगी बेल्ट की। तो यह देखिए हमारा यह बेल्ट बनकर तैयार है, हमारा यह फ्रंट का पल्ला बनकर तैयार है। यह देखिए अब हम बैक के पल्ले को बनाएंगे इस तरह से। यह देखिए साइडों पर हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। यह देखिए हमने साइडों पर इसकी सिलाई लगा ली है और यह हमारा बेल्ट है। यह देखिए जिस पर लास्टिक लगेगा, तो हम इसको यहां से सिलाई कर लेते हैं। तो यह देखिए बैक पल्ले पर हमने इस बेल्ट को यहां से सिलाई कर लिया है और फालतू कपड़ा कटिंग करके हमने इसका निकाल दिया। यह देखिए अब हम इस पर लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक लगाने के लिए हम इस पर नाप लगाएंगे कमर का। कमर था हमारा 34 इंच, बेल्ट की लंबाई है 19 इंच, तो 19 इंच में आधा इंच मार्जिन लग जाएगा राइट में और आधा मार्जिन लग जाएगा लेफ्ट में। तो हमारा यह 18 है। तो यह देखिए अब हम लास्टिक पर निशान लगाएंगे जिसको जितना उसको तैयार करना है। 18 और 12 इंच होता है 30 इंच, तो हम यहाँ 13 पे निशान लगा लेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा यह फालतू मार्जिन में निकल जाएगा, जो सिलाई में आधा इंच निकल जाएगा। कमर का नाप था हमारे 34 इंच, 34 इंच में 4 इंच हम लूज करेंगे क्योंकि बेल्ट हमारा खिंचता है, तो 30 इंच होगा।
30 इंच हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे। तो हम इसकी कमर 30 इंच तैयार करेंगे। तो कमर हम इसका तैयार करते हैं, यह देखिए। सबसे पहले हम बैग का पल्ला नीचे बिछाएंगे, यह देखिए, और इसके नीचे लास्टिक लगाएंगे इस तरह से। तो हमने इसके नीचे लास्टिक लगा दिया है। अब ऊपर से फ्रंट का पल्ला इस पर रखेंगे, यह देखिए, और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने इसकी सिलाई लगा लिया और यहाँ पर हमारा पॉकेट है। तो पॉकेट के हल्का सा साइडों से सिलाई लगानी है। तो आपको ध्यान से सिलाई लगाना है कि पॉकेट ना सिले आपका। यह देखिए, यह लंबाई है। इस ट्राउजर में 1.5 इंच का कट पड़ेगा, तो 1.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं ऊपर से। यह देखिए, लंबाई के नाप से 1.5 इंच उस पर हमने यह निशान लगा लिया है। अब हम इस पर सिलाई डबल करके सिलाई कर लेते हैं। यह देखिए, हमने सिलाई कर लिया। लास्टिक बेल्ट सिलाई करेंगे। इस तरफ हमें पहले बेल्ट को नीचे रखना है, उसके बाद बैग के पट्टी को ऊपर रखेंगे इस तरह से, और फिर लास्टिक रख के इसकी सिलाई कर देंगे। इसमें भी पॉकेट है दूसरी तरफ भी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पॉकेट के ऊपर सिलाई ना लगे। और आराम से सिलते हुए इसको साइडों से हल्का सा खींचते हुए सिली, ताकि इसमें सलवटें ना पड़े साइडों से। और यह देखिए, यह कट है लंबाई का निशान, और इधर कट के लिए 1.5 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे। यह हमने निशान लगा लिया है। अब इसी सिलाई पर यहाँ पर डबल कर देंगे इसको, और यहाँ से निकाल लेंगे इसको। ये देखिए, हमने इसको निकाल लिया है। अब लास्टिक पर सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए फालतू कपड़ा कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो हमने इसका फालतू का कपड़े कटिंग करके निकाल लिया है। अब इस कपड़े को पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस पर सिलाई लगाएंगे। यह देखिए, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे लास्टिक को। लास्टिक पर सिलाई मारते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई लास्टिक पर ना पड़े। अगर आपका सिलाई लास्टिक पर पड़ जाएगा तो लास्टिक खींचेगा नहीं, कपड़ा आपस में बट नहीं पाएगा, और एक ही जगह पर यह लास्टिक का कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई लास्टिक पर ना लगे, आराम से इसको सिलना है। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं आपके लिए। यह देखिए, हमने इस पर लास्टिक की सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को खींच कर लास्टिक का पूरा कपड़ा आपस में बिछा देंगे इस तरह से। यह कपड़ा हमने पूरा आपस में बिछा दिया है। अब ऊपर से इसकी एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, ताकि यह कपड़ा इधर उधर ना हो। तो इसको इस तरह से ऊपर एक सिलाई मार लेंगे। यह देखिए, कपड़े को खींचते हुए इस पर सिलाई मारेंगे। यह देखिए, हमने सिलाई मार लिया। यह कपड़ा कितना अच्छा बनाया देखिए।
यह देखिए यह पॉकेट है, इस पॉकेट की फिनिशिंग कितनी अच्छी से आई है। अब हम मोहरी पर इसका कट बनाएंगे। तो कट बनाने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब इधर के कपड़े को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। यह देखिए हमने दोनों तरफ इसको फोल्ड कर लिया। अब दूसरे साइड का मोरी भी इसी तरह से बनाएंगे। इसको भी नाखून की मदद से कपड़े को उछाल लेते हैं और इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यह देखिए दूसरी तरफ का भी मोरी कट हमने तैयार कर लिया है। अब इन सबको मिलाकर निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पर, जो इसकी लंबाई पर निशान लगा लेंगे। तो हमने इसकी लंबाई पर निशान लगा लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस पर आराम से सिलाई लगा लेते हैं। और दूसरे पल्ले पर भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ से डबल कर दिया है और इस तरह सिलाई मारेंगे दूसरे पल्ले पर भी। तो यह देखिए यह कट बनकर तैयार है और यह कट कितने अच्छा से बना है। अब दूसरे पल्ले को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब दूसरे पल्ले को तो यह देखिए हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार कर लिया है। अब साइडों पर इसकी मोहरी पर सिलाई लगाएंगे। यह देखिए इसकी मोहरी है 6 इंच, तो हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसको नीचे से डबल कर लेते हैं। तो हमने इसको डबल कर लिया है। अब साइडों पर सिलाई लगाएंगे। साइडों पर सिलाई मारते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साइडों को हल्का सा खींचते हुए सिलना है। खींच कर सिलने से क्या होगा, इसमें सलवटें नहीं पड़ेंगी जो सलवटें पड़ती हैं। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मोरी पर निशान लगा लेते हैं और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई कर देंगे। तो दूसरी तरफ भी इसका निशान है 6 इंच मोहरी पर निशान लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। यह देखिए हमारे यहाँ पैंट बनकर तैयार है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो डालने पर आपको सूचना मिल सके और आप कुछ सीख सके और आपको कहीं और जाकर वीडियो ढूंढनी ना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।